में कोरोना वायरस का खतरा चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में इसका संक्रमण कम हो इसके लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लाजपत नगर की सड़कों पर क्षेत्रवासियों की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हवन यज्ञ कराया गया। इसमें चिरायता काल में कपूर, तुलसी, सर्प पंखा, कारंजीगिरी, गिलोय, कुटकी, नीम की निमोली का मिश्रण बनाकर औषधि युक्त हवन सामग्री से हवन किया गया। हिंदू धर्म में शुद्धिकरण के लिए हवन का विधान है। हवन कुंड में अग्नि के जरिए देवताओं के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया यज्ञ कहलाती है। हवि यज्ञ का पदार्थ को कहा जाता है जिसकी अग्नि में आहुति दी जाती है। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुरादाबाद के लाजपत नगर में हवन पूजन किया गया। लोगों की आस्था है कि हवन से उठने वाले धुएं से हजारों बीमारियों का नाश होता है। इसी विश्वास के साथ आम जनता ने लाजपत नगर की सड़कों पर हवन पूजन किया। चीन से शुरू हुए कोरोना का प्रकोप भारत के साथ विश्व के कई देशों में फैलने से हड़कंप मच गया है। बीमारी के भारत में दस्तक देने के बाद लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में कोरोना से निजात दिलाने के लिए लाजपत नगर की सड़कों पर हवन पूजन किया गया। लोगों ने बताया कि वेदों में लिखा है कि हवन से उठने वाले धुएं से लाखों बीमारी का खात्मा होता है। इसी विश्वास के साथ लोगों ने हवन किया है। लोगों का कहना है कि उनके हवन यज्ञ से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। मुरादाबाद से संवाददाता बाजीद अली की रिपोर्ट। ये हवन कोरोना वायरस जो इस समय विश्व में एक राक्षस का रूप ले चुका है उसे नष्ट करने के लिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के आधार पर जो आधारित व्यवस्था है उसी आधार पर इस कोरोना वायरस को नष्ट करने का व्यवस्था वायुमंडल को शुद्ध करने की व्यवस्था की जा रही है। हवन सामग्री में क्या क्या प्रयोग किया गया है? हवन सामग्री में लौंग है, नीम है, तुलसी जी हैं और आम की लकड़ी, शुद्ध गाय के गोबर के उपले और गाय का घी। क्या मानते हैं इससे कितना प्रभाव पड़ेगा और लोग हवन करेंगे? इससे प्रयास तो लगभग ये है कि रोड पर करने का प्रयास तो यही है कि लोगों में जागरूकता फैले और हवन के माध्यम से जो अपनी संस्कृति जो खो चुके हैं उसके माध्यम से लोगों को ये पता रहनी चाहिए कि आधार और बेस यही है, क्योंकि लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं और पेड़ पौधों का नष्ट होने का मुख्य कारण यही है कि आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस से हाहाकार त्राही त्राही मची हुई है, उसी को नष्ट करने के लिए ये सामूहिक हवन लाजपत नगर लोगों के साथ करा जा रहा है। बाहर करने का उद्देश्य मित्र यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और इस हवन को किसी धार्मिक विशेष माध्यम से न लेके इसे सिर्फ औषधि का रूप दिया जाए और सब मिलके सारे समाज के लोग सिर्फ इंसानियत के नाम पर इस हवन को करें और जिस हवन को करेंगे फिर वायरस जो है भागेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.